हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ रीजनिंग के कुछ वैसे प्रश्न जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, तो इस तरह के प्रश्न को आप इजिली सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बाहर में 3 नंबर दिया गया है और यहाँ अंदर में 1 दिया गया है, और इसमें भी बाहर में 3 नंबर दिया गया है, बीच में क्वेश्चन मार्क है। तो हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे 36, 49, 81, यहाँ पे 25, 100, 16 दिया गया है और ऑप्शन आपके सामने है और आंसर फाइंड करना है। तो हम लोग सिंपल से ट्रिक को देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर करते हैं हम लोग तो 49 आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 10 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग को करना क्या है कि यहाँ पे 6 7 9, यहाँ पे 6 + 7 + 9 को ऐड कर देना है। यहाँ पे देखिए 6 7 और 9 को जब हम लोग ऐड करेंगे, तो जब हम लोग 6 7 9 को ऐड करेंगे, यहाँ पे 9 9 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 5 5 + 10 + 4 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका 19 आ जाएगा और इसका आंसर यही हो जाएगा 19। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे हम लोग यहाँ पे 19 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है और ऑप्शन बी में दिया गया है 19, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक प्रश्न आपके लिए और लाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए मैं सेकेंड क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, तो कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया गया 50 10 20, और यहाँ पे 12 24 60, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है 75 और 50, और ऑप्शन आपके सामने है और इसे आंसर फाइंड करना है। तो आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 50 10 और 20 दिया गया है, तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया होगा 24 और 60। अब हम लोग देखिए यहाँ पे कुछ आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 12 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब 12 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विद 2, तो 24 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 12 से हम लोग 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसे भी देख लेते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग लॉजिक देखे हैं, जब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग लॉजिक देखे हैं कि छोटी संख्या से हम लोग जब मल्टीप्लाई पहले किए हैं तब जाके है। तो अब हम लोग छोटे संख्या को देखेंगे, यहाँ पे छोटे संख्या 10 है, तो छोटे संख्या से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। और जब अब हम लोग किए हैं 5 से, तो यहाँ पे हम लोग जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 आ जाएगा। अब हम लोग को लॉजिक लगाना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, ये हम लोग फाइंड कर लिए, पर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसे भी आप इजीली सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हम लोग पहले छोटे वाले संख्या से, देखिए पहले छोटे वाले संख्या से किए थे तो 24 आया था, तो उसी तरह से हम लोग को लॉजिक लगाना है कि देखिए यहाँ पे जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 में 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 हो जाएगा, और जब 15 में फिर देखिए 5 से जब मल्टीप्लाई किए थे, 5 से और 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 5 से मल्टीप्लाई किए, अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 30 आ जाएगा। 15 में जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, और आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है